पाकिस्तानी गुलाब जामुन और इंडियन गुलाब जामुन बड़ी कमाल की वीडियो होगी। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया। किसी जंगल में किसी पार्क में मुझे ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पर सिर्फ मैं हूँगा और मेरे देखने वाले होंगे, तो कोशिश की जा रही है और इंडियन गुलाब जामुन है जो मैंने इंडियन मार्केट से लिए हैं, आपको करीब से दिखाऊंगा। यहाँ पर इनको कोकोनट गुलाब जामुन कहते हैं। इनके मैं खा रहा हूँ, बस मेरा दिल कर रहा है मैं खाता जाऊँ, बात ही ना करूँ, जुबान पर कोई बात आ ही नहीं रही, बस खाने का दिल कर रहा है, और ये देखिए, मैंने पहले आपको पाकिस्तानी गुलाब जामुन दिखा दूँ। यहाँ से हम एक गुलाब जामुन लेंगे, बहुत ही मज़ेदार, माशाल्लाह कमाल का है, बहुत ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ वकास आलम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में मैं इंडियन और पाकिस्तानी मठियाई ट्राई करने लगा हूँ, यानी कि पाकिस्तानी गुलाब जामुन और इंडियन गुलाब जामुन ट्राई करूंगा और आपको बताऊंगा किस मुल्क की मठियाई ज़्यादा मज़ेदार है, ज़्यादा टेस्टी है। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक में बहुत अच्छी मठियाइयाँ बनती हैं, मुकाबला करवा ही नहीं सकते, लेकिन ये वीडियो एक एंटरटेनमेंट के लिए है। तो मैं अमेरिका में रहता हूँ तो इसलिए यहाँ पर भी मठियाई मिलती है, तो आज मैं ट्राई करूंगा इंडियन और पाकिस्तानी मिठाई और आपको बताऊंगा यहां पर कौन सी ज्यादा टेस्टी है। गुलाब जामुन, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में भी गुलाब जामुन बहुत ज्यादा खाया जाता है और इंडिया में भी, तो ट्राई करते हैं पाकिस्तानी गुलाब जामुन और इंडियन गुलाब जामुन, बड़ी कमाल की वीडियो होगी। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो जी, इस टाइम मैं जा रहा हूं ऐसी जगह पर जहां पर मुझे आराम से खूबसूरत जगह मिल जाए। मठियाई खाने का पहला असूल यह है कि आप ऐसी जगह को तलाश करें जहां पर आप आराम से बैठकर मठियाई खा सकें। तो मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूं मुझे ऐसी जगह मिल जाए, और मुझे लग रहा है किसी जंगल में किसी पार्क में मुझे ऐसी जगह मिल जाएगी जहां पर सिर्फ मैं हूंगा और मेरे देखने वाले होंगे, तो कोशिश की जा रही है और तकरीबन हम पहुँचने वाले हैं जिस जगह की मुझे तलाश थी। तो वहाँ पर हम अपनी मंजिल पर पहुँचने वाले हैं और वहाँ पर बैठकर मैं पाकिस्तानी और इंडियन गुलाब जामुन का रिव्यू करूँगा। और तकरीबन हम पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं मैं यहाँ से लेफ्ट लूँगा, गाड़ियाँ बहुत तेज़ आ रही हैं लेकिन हम उनसे पहले ही निकल जाएंगे। और ये सामने आप देख सकते हैं एक पार्क है, यहाँ पर हम आराम से बैठ कर पाकिस्तानी और इंडियन मठियाई को इंजॉय करेंगे। तो जी, फाइनली मैं आ चुका हूँ उस पार्क में जहाँ पर बैठकर अब हम पाकिस्तानी और इंडियन गुलाब जामुन को ट्राई करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपनी ये सीट बेल्ट उतार दूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी ने पकड़ा हुआ है, इसको मैंने उतार दिया है। और अब सबसे पहले मैं आपको इंडियन गुलाब जामुन दिखाऊँगा। ये इंडियन गुलाब जामुन है जो मैंने इंडियन मार्केट से लिए हैं, आपको करीब से दिखाऊंगा। यहाँ पर इनको कोकोनट गुलाब जामुन कहते हैं। इनके सामने इसके ऊपर आप देख सकते हैं कोकोनट है और गुलाब जामुन है, तो ये इंडियन है। और अब मैं आपको पाकिस्तानी दिखाने लगा हूं। और ये देखें आप, ये पाकिस्तानी बॉक्स है। और ये देखें, ये पाकिस्तानी गुलाब जामुन है, आप देख सकते हैं। अच्छा, जो पाकिस्तानी गुलाब जामुन है ये तकरीबन मुझे $10 के मिले हैं और इसका जो वेट है तकरीबन 454 ग्राम है, 454 ग्राम। और जो ये इंडियन गुलाब जामुन है ये मुझे $9 के मिले हैं, इनका थोड़ा सा वेट कम है लेकिन देखा जाए प्राइस तकरीबन दोनों की सेम है। तो जी, अब मैं आपको इनकी प्राइस जो सी है पाकिस्तानी रुपीस में बताना चाहूँ, तो जो पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन ये 2800 रुपये के हैं और इंडियन रुपीस में तकरीबन ये 830 रुपये के हैं गुलाब जामुन। और आपको एक और चीज़ बताता चाहूँ कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में बहुत ज़्यादा गुलाब जामुन खाए जाते हैं, इस चीज़ का आपको भी पता होगा। और पाकिस्तान की तो कौमी मठियाई भी जौन सी है वो ये गुलाब जामुन ही है। तो अब इस टाइम मेरी क्या कहते हैं, गाड़ी के अंदर सिर्फ गुलाब जामुन की ही स्मेल आ रही है और बहुत अच्छी लग रही है, बहुत कमाल की स्मेल है। और इसके बारे में एक मशहूरी है गुलाब जामुन के कि लोग इसको अगर देखते जाएं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो ये वाला मैं भी ट्राई करता हूँ, मुस्कुराहट आती है कि नहीं थी। पहले मैं अपना मुँह बिल्कुल सख्त कर लूँ, मैंने कर लिए। अब मैं गुलाब जामुन को देख रहा हूँ, वाकई बंदा इसको देखकर मुस्कुराता रहता है, मुस्कुराहट आ जाती है। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको ट्राई करूंगा। मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद थे और हमें गुलाब जामुन बहुत पसंद है, और आज अगर हमारे पास पाकिस्तानी और इंडियन गुलाब जामुन है तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं। तो अभी ट्राई करूंगा और आपको बताऊंगा कौन सा गुलाब जामुन ज़्यादा मज़ेदार है। तो जी, उस घड़ी का वक्त आ चुका है जिसका आप सबको इंतजार होगा। अब मैं सबसे पहले इंडियन गुलाब जामुन ट्राई करूंगा और वो बताऊंगा कि उसका टेस्ट कैसा है।
तो जी मैंने इंडियन गुलाब जामुन ले लिया, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कोकोनट है, यहाँ से हम एक गुलाब जामुन लेंगे और अब इसको मैं ट्राई करके बताऊंगा कैसा है। माशाल्लाह बहुत ही मजेदार है, बहुत ही कमाल का। बहुत मजेदार है, मैं खा रहा हूं बस मेरा दिल कर रहा है मैं खाता जाऊं, बात ही ना करूं, जुबान पर कोई बात आ ही नहीं रही, बस खाने का दिल कर रहा है, दिल कर रहा है, दिल कर रहा है कि खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। बहुत ही मजेदार है, कोकोनट ने इसको चार चांद लगा दिए, कोकोनट के साथ और ज्यादा टेस्टी लग रही है, इंतहाई मजेदार है। मैंने एक खाया, मेरा दिल कर रहा है मैं दो तीन खा लूं, लेकिन मेरे बड़ों ने मना किया था ज्यादा मीठा नहीं खाना, इस वजह से अभी मैं एक ही खाऊंगा क्योंकि अभी मैंने पाकिस्तानी भी ट्राई करना है। तो बहुत मजेदार है, अब मैं एक दो मिनट वेट करूंगा, उसके बाद मैं पाकिस्तानी ट्राई करूंगा। अभी सिर्फ मेरे मुंह के अंदर इंडियन गुलाब जामुन ही उसका ही टेस्ट टेस्ट है, लेकिन उसको खत्म करने के लिए मुझे पानी भी पीना पड़ेगा, थोड़ा सा हम पानी पियेंगे ताकि मेरे मुंह का जो टेस्ट है वो नॉर्मल हो सके। इस गुलाब जामुन के लिए मैंने पाकिस्तान में लोगों की लड़ाइयाँ होते देखी हैं, जिसको मिल गया वो तो खुश था, जिसे नहीं मिला था वो लड़ पड़ा। तो जी फाइनली मैं अब पाकिस्तानी गुलाब जामुन ट्राई करने लगा हूँ, पहले मैंने इंडियन किया वो भी बहुत मज़ेदार था, तो अब हम पाकिस्तानी ट्राई करते हैं और उसके टेस्ट के बारे में आपको बताता हूँ और बताते हैं कि ये जंग कौन सा गुलाब जामुन जीतेगा, पाकिस्तानी या इंडियन। और ये देखें मैंने अब पहले आपको पाकिस्तानी गुलाब जामुन दिखा दूँ, यहाँ से हम एक गुलाब जामुन लेंगे, ये हमने गुलाब जामुन ले लिया और अब मैं इसको ट्राई करके आपको बताऊंगा कैसा है ये। बहुत ही मजेदार, माशाल्लाह कमाल है, बहुत जबरदस्त है। ये स्पेशल कराची में बना हुआ है, इंतहा मजेदार है। वाकई आप इसको पाकिस्तान की कौमी मिठाई कह सकते हैं, बहुत मजेदार है, कमाल का है। इंडियन भी बहुत कमाल है लेकिन ये भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा मुझे कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, पहले मैं इसे आराम से खा लूं। इंतहाई मजेदार, बहुत ही कमाल का, मैंने खा लिया, मजा आ गया, मजा आ गया, दोनों को खा के मजा आ गया। तो जी फाइनली अब मैं आपको बताने लगा हूं कि मुझे कौन सा गुलाब जामुन अच्छा लगा। सबसे पहले मैंने इंडियन कोकोनट गुलाब जामुन ट्राई किया, बहुत मजेदार था, कोकोनट की वजह से वो और ज्यादा मजेदार लगा। फिर उसके 5 मिनट मैंने वेट किया, वेट करने के बाद फिर मैंने पाकिस्तानी गुलाब जामुन ट्राई किया, वो भी बहुत मजेदार था, बहुत ज्यादा मजेदार था, दोनों ही बहुत अच्छे थे। लेकिन आज की जो जंग है मुझे थोड़ा सा ज्यादा पाकिस्तानी गुलाब जामुन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा, वो उसमें मिठास थोड़ी सी ज्यादा थी, वो थोड़ा सा ज्यादा टेस्टी था। तो आज की जो जंग है गुलाब जामुनों में, वो पाकिस्तानी गुलाब जामुन जीत गया, वो थोड़ा सा ज्यादा मजेदार था। ये जो चीज हमें अमेरिका में मिलती है इंडिया से या पाकिस्तान की, उसकी हम जो अमेरिका के अंदर गुलाब जामुन है उनकी हम बात कर रहे हैं। अगर आप बात करें इंडिया की और पाकिस्तान में, तो वहां पर डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट उनके सूबे हैं, वहां पर तो इससे भी ज्यादा अच्छे गुलाब जामुन मिलते होंगे, इससे ज्यादा मजेदार मिलते होंगे। तो जो अमेरिका के अंदर गुलाब जामुन है उनमें से जो मैंने इंडियन और पाकिस्तानी ट्राई की है उसमें मुझे पाकिस्तानी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा। और पाकिस्तानियों जिन्होंने ये बनाया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंडियंस ने भी जो ये गुलाब जामुन बनाया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ही बहुत मज़ेदार थे, दोनों खाने के काबिल हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। तो आप जब भी आएँ इंडियन मार्केट में तो इसको ट्राई कीजिएगा, पाकिस्तानी को भी, गुलाब जामुन को और इंडियन गुलाब जामुन को भी, और आप बताइएगा कि आपको कैसे लगे ये गुलाब जामुन। तो एक और आपको बात बताता चलूँ, यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ पर इंडियन मिठाइयों की दुकानें हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ से आराम से इंडियन मिठाई मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तानी मैंने कोई दुकान नहीं देखी मिठाई की। आप दुआ करें अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, मैं यहाँ पे मिठाई की दुकान बनाऊँ, बहुत बड़ी बनाऊँ,
और फिर आप मेरी दुकान पर आएं, मेरी शॉप पर आएं और वहां पर आप ट्राई करें मिठाई को। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये व्लॉग वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।